अयोध्या में किन्नर समाज की अध्यक्ष पिंकी मिश्रा अस्पताल की हालत देखकर बड़ा कुटी। आपको बता दें, अयोध्या जनपद की किन्नर समाज के गुरु स्वर्गीय गुलशन बिंदु की शिष्य पिंकी मिश्रा अध्यक्ष किन्नर समाज ने अपने बड़े गुरु की हालत बिगड़ते हुए देख जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज न होने के कारण पिंकी मिश्रा नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अस्पताल होता है सभी के लिए, होता है किन्नर समाज का नहीं। ऐसे में समाज सेवी वरिष्ठ अधिवक्ता श्वेता राज सिंह TMS से बात करके इलाज प्रारंभ कराया। किन्नर समाज की अध्यक्ष पिंकी मिश्रा ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि इस अस्पताल में समुचित इलाज नहीं हो पाता, साथ ही दवाई भी उपलब्ध नहीं है। मरीजों को बाहर की दवाएं लिखी जाती हैं। यदि अस्पताल की हालत में सुधार नहीं हुआ तो हम अस्पताल की कमियों को पूरा कराने के लिए प्रयास करेंगे। हम कहना चाहते कि मेरे गुरु जब तक ठीक ना हो जावे, और अगर इनका बाल विवाह का हुआ, इनकी जरा सी तबीयत अब खराब हुई या कोई अनहोनी हुई, तो सब ये सरकारी जिला अस्पताल के CMO साहब की खोपड़ी पे मैं रखूंगी। ये समझ लीजिए, उठा के पक्की मोहर मैं उनकी खोपड़ी पे लगाऊंगी CMO साहब के। फिर वो खुद देख लेंगे कि कितने इस वार्ड में काम करने वाले थे और किसने गलत किया। बाल भी बाका नहीं होना चाहिए हमारे गुरु का। श्वेता जी ने आई थी तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हमारी बात CMO सर से हो गई है, और आप पिंकी जी परेशान मत होइए, अच्छा से अच्छा इलाज होगा, सब कुछ अच्छा होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं खुद की वकील हूँ, आपके साथ हूँ। जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। मैं कभी कभी मैं स्वाति मैम का या हमारी जिला जज साहिबा की बात में कभी नहीं काट सकती, वो जो बोलेंगी मैं उनके साथ हूँ। लेकिन मुझे अपनी बेइज्जती कि मैं हिजड़ा हूँ इसका आ जा रहा है। क्या मैसेज चाहती हैं आप? जी मैसेज देना चाहती हैं, पूरे हॉस्पिटल में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, मेल आए या फीमेल आए या ट्रांसजेंडर आए, सबकी देखभाल बराबर की होनी चाहिए और सबको सुविधा देनी चाहिए। कल से आज के बीच में 5-6 लोग मर गए यहीं पे, जब तुम्हारे पास गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी मशीनें रख रखी हैं, बड़ी बड़ी दवाई हैं। और एक बात आप और सुनिए, अगर किसी दवा है तो यहाँ पे वो दवाई मौजूद रहती है, लेकिन गरीब जनता के लिए पर्ची लिख के दी जाती है कि जाके इस बाहर से मेडिकल से खरीद के लेके आओ। नाम पिंकी मिश्रा किन्नर, मैं श्री गुलशन बिंदु जी की चेला, श्री बकरीदन माई जी की चेला, श्री गुलाम माई जी की पोती चेला। ये था कि सबसे पहले तो मेरा नाम गुलशन बिंदु पिंकी मिश्रा किन्नर है, मैं गुलशन बिंदु जी की शिष्य हूँ, ठीक है। उनके ना जाने के बाद अयोध्या जिले में जितने भी किन्नर समाज हैं सबकी मैं अध्यक्ष हूँ, ठीक है। लेकिन हमारे साथ ये भी हेल्प किया गया कि जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर लोग संविदा पे रखते हैं, काम करने वाली लड़कियों को या लड़कों को संविदा पे रखते हैं, और जिनके पास डिग्रियाँ हैं वो अपनी डिग्री लेके अपने घर बैठे रहते हैं। सैलरी मिली तो अगर 10 रुपये मिली तो 2 रुपये उठा के संविदा वाले को दे देंगे और 8 रुपये अपना उठा के रख लेंगे, ठीक है जी। तो जब डिग्री आपको मिली है और काम कोई और करेगा बिगड़ डिग्री वाला, तो वो उसके साथ में क्या होगा, पेशेंट के साथ में क्या होगा। ये भी देख लीजिए, 10 जगह मेरे गुरुजी का हाथ छेदा गया, 10 जगह इन्होंने छेदा और इनको नस नहीं मिली। फिर मैं आई जब, तो मैंने मुट्ठी खोलवाई बंद करवाई, खोलवाई बंद कर थपकी मारी तो यहाँ पे एक नस दिखी, हमने कहा इसी नस में लगेगा, है ना। तो पहली चीज़ तो, और दूसरी चीज़ किन्नर को ये एक अपने फैमिली की तरह, एक मनुष्य की तरह, या चाहे मेल हो या फीमेल हो, उस नज़र से नहीं देखते। तो जिसको ये लगता है कि किन्नर बुरा है, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है ट्रांसजेंडर का, तो जाके सुप्रीम कोर्ट के जज का कॉलर पकड़ के बोलो कि तुमने क्यों TG का दर्जा दिया है, जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं होगी तो, ठीक है ना। और मेरे से बदतमीजी से बात करके की गई कि बिल्कुल आप चुप हो जाइए, मैं गुरु चेले बात कर रही थी, बिल्कुल चुप, चिल्ला के मुझसे बोला गया। फिर उसके बाद में मैं केबिन में गई तो मुझसे कहा गया कि आप ही सब कुछ हैं और कोई कुछ नहीं है, जो कुछ हैं आप ही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं किन्नर हूँ तो भगवान हूँ हैं, मैं किन्नर हूँ तो मेरे 4 पैर हैं, मैं किन्नर हूँ तो मेरी गलती थी कि मैं किन्नर पैदा हूँ हैं।
या मैंने गुनाह कर दिया कि मैं किन्नर पैदा हो। पिंकी जी का फोन आया था कि गुरुजी को एडमिट किया गया है, उनकी तबीयत नहीं ठीक है और यहाँ पे हॉस्पिटल स्टाफ प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहा है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में इमीडिएटली मैंने सीएमओ साहब से बात करी, उन्होंने कहा कि पूरा प्रॉपर मेडिकल केयर दिया जाएगा, इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी और अगर पूर्व में ऐसा कुछ भी हुआ है कि अटेंशन नहीं दिया गया है तो अब ऐसी गलती नहीं होगी। क्यों ऐसा किया गया? अब देखिए यहाँ पे आए थे, अब यहाँ का लोकल स्टाफ जो भी है नॉर्मली एक आप भी समझते होंगे कि किन्नर समाज को उस समानता की नज़रों से नहीं देखता है समाज, तो वो भी एक वजह हो सकती है। लेकिन ये चिकित्सालय है, ये ऐसा स्थान है जहाँ पे लोग सही होकर के जाते हैं और कोई भी डॉक्टर भगवान की तरह है। किन्नर समाज की बात करें, सभी लोग एक बराबर हैं, तो इसमें ऐसी क्यों दुर्भावना की गई? देखिए ऐसा है, दुर्भावना रखते हैं लोग और उन्हीं दुर्भावनाओं को दूर करना है, इसीलिए मैं साथ में खड़ी हूँ, इसीलिए मैं साथ में मदद कर रही हूँ और हर जगह हर स्टेप पे खड़ी रहूँगी, क्योंकि ये समाज मेरे बराबर है, मुझे पता है और इनको जितनी है, इनको हमारी ज़रूरत है उतनी हमको इनकी ज़रूरत है। वी कैन नॉट डिस्कार्ड एनीवन, क्योंकि ये भी ईश्वर की ही रचना है, तो उनको भी उतना सम्मान देना होगा, ये हम सबको सीखना होगा। जी जी, अभी तो इलाज हो रहा है और अभी गुरुजी की तबीयत भी पहले से बेटर है और जितना हो सकेगा उतना मेडिकल अटेंशन दिया जाएगा और हम लोग भी साथ में खड़े हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इनको इनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। टीवी इंडिया न्यूज़ के लिए अयोध्या से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट।